ये एक काफी दुखद समाचार है। ये काफी सालों बाद उनका लूना वो एक्सप्लोरेशन जा रहा था। ऐसा कोई भी जो मिशन होता है उसके पीछे बरसों की मेहनत, वैज्ञानिकों का जो काम होता है, इंजीनियरों का काम होता है। ये भी जा रहा था, ये भी बात हो रही थी कि एक तरह की कंपटीशन है हमारे चंद्रयान और लूना में। ये सही बात नहीं है, वो पायनियर्स हैं। एक टेक्निकल ख़राबी उनके कंप्यूटर में, लूना 25 के कंप्यूटर में आ गई और उसके बाद जो है उसने उस कमांड को नहीं फॉलो किया। कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ये एक काफ़ी दुखद समाचार है, वो इस सेंस में कि दोनों स्वतंत्र मून मिशंस थे, साइंस मिशंस थे, और दोनों ने लगभग एक ही प्रकार की फाइंडिंग्स को हासिल करना था। उनके अपने अपने हिसाब से यंत्र हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह के बारे में, उसके भीतरी हिस्सों के बारे में, उसके वातावरण के बारे में, ताकि हम आपस में अपनी अपनी फाइंडिंग्स का मिलान कर सकते थे, लेकिन वो मिलान तब हो नहीं सकता है। ये दुखद समाचार है। और ये चूँकि ऐसा कोई भी जो मिशन होता है उसके पीछे बरसों की मेहनत, वैज्ञानिकों का जो काम होता है, इंजीनियरों का काम होता है, और बड़ी उम्मीद के साथ ये मिशन जो है अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, लेकिन एक टेक्निकल ख़राबी उनके कंप्यूटर में, लूना 25 के कंप्यूटर में आ गई और उसके बाद जो है उसने उस कमांड को नहीं फॉलो किया जो कि उसको प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने के लिए की गई थी। ये लूना 25 है, ये काफ़ी सालों बाद उनका लूना वो एक्सप्लोरेशन जा रहा था, कुछ 47 ईयर्स में। ये पहले भी डिले हो चुका था, ये मेरे ख्याल में 2021 में जाने का था अक्टूबर में। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने वो निकाल लिया क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। फिर एक के बाद एक डिले हो गया और अभी ये मेरे ख्याल में शनिवार से ये आउट ऑफ टच या कम्युनिकेशन में नहीं थे। उनके ऑर्बिटिंग मनूवर्स में कुछ खामियां थी और इसलिए वो बीच में ये भी जा रहा था, ये भी बात हो रही थी कि एक तरह की कंपटीशन है हमारे चंद्रयान और लूना में। ये सही बात नहीं है, वो पायनियर्स हैं। और फिर उन्होंने 21 अगस्त को इसे बढ़ा दिया लैंडिंग टाइम, और अभी ये तो ये एक मेरे ख्याल में रॉसकॉस्मोस के लिए दुखद की बात है। और दूसरी बात ये है, हाँ, हम साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहाँ पर लैंड करेंगे, लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले सहायता भी किया था, क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे। तो ख़राब तो लगता है क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ी बात इसमें जो लेसन हमें है, जो हमने सीखना है, कि कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, और यही हुआ है। तो हमें एकदम मतलब कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए।